यात्रा पर हर दिन 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये पैसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लगातार इतने पैसों को राहुल गांधी खराब कर रहे हैं, और ये पैसे की भरत कैसे होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि देश के बारे में कोई नहीं सोचता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब मैं भारत जोड़ रहा हूं। जब उनकी सरकार थी तब वो भारत को क्यों नहीं जोड़ पाए? आखिर जब उनकी सरकार चली गई तभी उनको याद क्यों आया कि मुझे भारत जोड़ना है? कोई भी नेता जब तक देश की बात नहीं करता, जब तक वो कुर्सी पर होता है, लेकिन कुर्सी से हटने के बाद उसे देश की और देशवासियों की याद आने लगती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक भारी जनसमूह है जो कि ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जब पार्टियां सत्ता में होती हैं उस समय आखिर उन लोगों को याद क्यों नहीं आता कि देश के लिए कुछ करना है, या देश के बारे में क्यों नहीं सोचते? जब कुर्सी चली जाती है तब उन्हें देश की याद क्यों आती है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जब तक कुर्सी है तब तक ही देश की बात नहीं होगी? जब कुर्सी चली जाएगी तभी देश की बात होगी, या कुर्सी गिराते हुए भी देश की बात होगी? बीजेपी लगातार कहती है कि हमने हिंदू और हिंदुओं को मजबूत किया है, हमने मंदिर बनवाए हैं, हमने स्कूल बनवाए हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये लोग धर्म जातिवाद फैलाते हैं देश में, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाते हैं, फूट करो राज डालो की नीति अपनाते हैं। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि ये लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। और नेहरू गांधी ने हमेशा से ही देश को तोड़ने की बात कही, देश तो इन्होंने आज़ादी के समय ही तोड़ दिया था, उस टूटे हुए देश को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा, बीजेपी ये कहती है। और अब फिर से एक बार जो कांग्रेस परिवार है वो देश को लूटने की तैयारी कर रही है, ये बीजेपी का दावा है। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अब देश में परिवर्तन होगा। राहुल गांधी भी अपने कई भाषण में ये कहते हुए नजर आए कि अब मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ जिसे देशवासियों को उम्मीद नहीं होगी। बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, इसी के साथ महंगाई के मुद्दों को बेबाकी से उठाएंगे। राहुल गांधी का जो टी शर्ट है उस पर लोग सवाल करते हैं, कोई गरीब किसान से सवाल नहीं करता, मजदूर से सवाल नहीं करता कि आपने टी शर्ट क्यों पहना है। आप देख सकते हैं ये राहुल के प्रशंसक हैं जो लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये लोग हैं यहाँ पर राहुल गांधी को एक झलक देखने के लिए पहुँचे। देख सकते हैं लोग अपने अपने घरों पर, अपने अपने घरों के छतों पर भी खड़े हैं, और यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहुँच चुकी है, पानीपत जो संजय चौक है वहाँ पहुँच चुकी है। किस तरह से देख सकते हैं पानीपत के संजय चौक से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। और अब आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी वहां तक एक भारी जनसमूह नज़र आएगा। हालांकि हरियाणा में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की मिलीजुली सरकार है, और पानीपत में जो इस समय विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बात की जाए ग्रामीण, शहरी या राज्यसभा सांसद की बात की जाए, सांसद की बात की जाए, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इतनी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, ये बात कहना है। जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनका फिलहाल यहाँ देख सकते हैं। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? रेवाड़ी से, वार्ड नंबर 1। क्या करने आए यहाँ पर? यहाँ भारत जोड़ रहे यात्रा का समर्थन करने आए हैं हमारे नेता राहुल गांधी। बीजेपी कह रही है भारत टूटा ही कब था? बीजेपी गई, बीजेपी ने नफरत फैलाई है, बेरोजगारी फैलाई है, लोगों में मतलब भाईचारा तोड़ने का काम किया है। हमारे राहुल जी जो कर रहे हैं ये सारे समाज को जोड़ने का, देश 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस पूरे यात्रा में हर रोज, ये पैसे कहाँ से आएंगे फिर? देखो ये लोगों को व्यवसाय भी मिल रहा है, ये हमारे लोगों के बीच ही व्यवसाय जा रहा है। किसी को गाड़ी का काम मिल रहा है, किसी को पोस्टर का काम मिल रहा है, तो गरीब आदमी को कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी की जेब में नहीं जा रही है। ये बताइए कांग्रेस किस तरह इतने सालों तक थी तब उसने याद नहीं आया कि भारत जोड़ना है? नहीं, कांग्रेस के टाइम में तो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म जात एक था। अभी जो बीते 8-7 सालों में जो ये एक भ्रष्ट सरकार आई है जिन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, अब जनता इनको सबक सिखाएगी आने वाले समय में, और राहुल चढ़ते हुए सूरज हैं, अब ये चढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग इस अपील है खबर को साथ के साथ शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।